हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फेब्रुअरी 2020 के करंट अफेयर्स की सीरीज़। ओके, हम ऑलरेडी जनवरी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, चलिए। तो जो जनवरी का जो सीरीज़ का जो लास्ट लेक्चर था, उसमें जो टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्यूरेटिव पिटीशन। ओके, क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में आपको सही गलत बताना था। तो स्टेटमेंट वन आपका था, अ क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी फाइल्ड बिफोर अ रिव्यू प्ली इज फाइल्ड। ओके, इज दिस करेक्ट? सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, पहले आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होती है, उससे भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो, देन ओनली यू कैन फाइल दी क्यूरेटिव पिटीशन। ओके, क्यूरेटिव पिटीशन इज दी लास्ट रेमेडी। ओके, चलिए। स्टेटमेंट टू आपको दिया गया था, इट नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। सो दिस इज करेक्ट। ओके, और स्टेटमेंट नंबर थ्री आपको दिया गया था, The concept of the curative petition is supported by Article 137 of the Indian Constitution. Okay, देखिए, Article 137 में कहीं ये लिखा नहीं गया है कि भाई curative petition is legal. Okay, but क्योंकि Article 137 में Supreme Court को ये power दी गई है कि Supreme Court अपने judgment को review कर सकता है. Okay, तो उसी के लिए डबल श्योर होने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में। ओके, तो दिस इज दी करेक्ट। ओके, चलिए, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका सही जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ओनली आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, देखिए, और ये सर आपका A to Z दिया हुआ आपको रिगार्डिंग दी क्यूरेटिव पिटीशन। क्या है क्यूरेटिव पिटीशन? द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वॉज फर्स्ट इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ओके, इन द 2002 केस। द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ इट्स प्रोसेस एंड क्योर ग्रोस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो देखिए, ये जो शब्द है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 के रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में बाय दी सुप्रीम कोर्ट। और ये रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस जो होगा, वहां पे क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि भाई हमारी प्रोसेस में कुछ कमी रह गई थी ओरिजिनल जजमेंट देते टाइम, तो उसी को एक बार वापस रिव्यू करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। The curative petition entitles the aggrieved person to certain relief against a final judgment of the Supreme Court after dismissal of the review petition either under Article 32 or otherwise. The concept of curative petition is an extra constitutional judicial device. Okay, constitution में curative petition में कहीं curative petition का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। It is not to be heard in an open court unless specifically directed at the same bench with passed the review orders hears it generally as far as possible. Okay, और curative petition का meaning क्या है? Petition filed to reconsider its earlier judgment by the Supreme Court even after dismissal of review petition is called curative petition. A curative petition is generally not heard in an open court. Okay. तो जब तक जज ये डिसाइड नहीं कर लेता कि भाई इसको ओपन कोर्ट में सुनना है, तब तक उसको क्लोज्ड डोर में ही सुना जाएगा। जो बेंच है वो उसको क्लोज्ड डोर में सुनेगी। क्लोज्ड डोर का मतलब ये है कि ना कोई मीडिया होगा, ना केस के नॉन रिलेटेड जो पर्सन होंगे वो लोग कोर्ट रूम में अवेलेबल हाजिर नहीं रहेंगे। ओके, चलिए। स्टेटमेंट टू आपको दिया गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन आपका था, कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 amended article 15 and article 16. Question number 2 आपको दिया गया था, it allows reservation for the economically backward in the reserved categories. और statement 3 आपको दिया गया था, only the center can provide 10% reservation under the act. Okay, तो देखिए, ये जो 103rd amendment है जो कि
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन अवेलेबल करवाता है इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इन दी जॉब्स। तो देखिए वो जो हमारा इक्वालिटी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल रिलेटेड टू आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें चेंजेस करेगा, उसको अमेंड करता है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इट अलाउज रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल बैकवर्ड इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज। देखिए रिजर्व्ड कैटेगरीज में नहीं है, इट इज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज। ओके, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन अलाउ किया जा रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। एंड ओनली द सेंटर कैन प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन अंडर दिस एक्ट, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। स्टेट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड द 10% रिजर्वेशन अंडर दिस एक्ट, एंड गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई दिस इन दी स्टेट। ओके, सो यहाँ पे आपका जो नॉट करेक्ट आपको पूछा गया है, ओके, सो नॉट करेक्ट कौन से हो जाएंगे, 2 and 3 इज दियोर, 2 and 3 ओनली इज दियोर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। ओके, तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक लीगल राइट है आपका, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। जो फंडामेंटल राइट कौन से है, द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स एज डिक्लेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, तो देखिए वो कौन से है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, और राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में था, बट इन 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्रेग्जिट। ओके, ब्रेग्जिट का मतलब क्या है, ब्रिटेन की एग्जिट। अब ब्रिटेन की एग्जिट कहां से, ब्रिटेन की एग्जिट यूरोपियन यूनियन से। ब्रिटेन हैज ऑफिशियली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन एंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लीव द 28 मेंबर ब्लॉक। क्या है ये यूरोपियन यूनियन? ओके, सो यूरोपियन यूनियन यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्रीज है उनका एक संगठन है, उनका एक ग्रुप है जो कि बना हुआ है 28 देशों के समूह से। अभी 28 देश क्या करते हैं आपस में, तो 28 देश आपस में एक दूसरे के देश में ट्रेड बढ़े, ओके, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजिशन है वो इजी हो, उसके लिए सालों से काम करते आ रहे हैं। ब्रिटेन को इससे निकलने की जरूरत क्यों पड़ी, तो पिछले काफी सालों से ब्रिटेन को जितना फायदा यूरोपियन यूनियन से मिलना चाहिए था अपने ट्रेड में, अपनी पॉलिसीज में, अपने टूरिज्म में, उतना उसको नहीं मिल रहा था। ओके, और इसके चलते जापान और इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इकोनॉमी के सेक्टर में ब्रिटेन से आगे निकल जा रही थी। तो इसीलिए ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि नाउ वी वांट टू लीव यूरोपियन यूनियन, ताकि हम अपने तरीके से, ओके, अगर वो यूरोपियन यूनियन में रहते हैं तो उनको जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन के बनाए हुए उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसको फॉलो अगर करता है ब्रिटेन तो वो एट पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा डेवलपमेंट खुद का नहीं कर सकता था, अपनी इकोनॉमी को वो आगे नहीं ले जा सकता था। और इसीलिए ब्रिटेन ने ये तय किया कि नाउ वी वांट टू लीव यूरोपियन यूनियन। चलिए, द यूके फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन मटीरियलाइजिंग दिस मूव फाइनली। दो काफी सारे पिछले जो 2-3 प्राइम मिनिस्टर रहे यूके के, वो लोग इसको ट्राई कर रहे थे ब्रेग्जिट को सक्सेसफुली कैसे अंजाम दिया जाए। तो थेरेसा मे को तो रिजाइन करना पड़ा इसके चलते। थेरेसा मे के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसको फाइनलाइज फॉर्म में लाया है। इट इज अ नोटेबल चेंज फॉर द यूके, ऑल्दो नथिंग विल चेंज इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द 11-month transition period negotiated as a part of European Union UK exit deal 2019. तो 11 महीनों तक जो है वो सारी चीजें धीरे 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 चेंज हो जाएगी, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका जो ऑफिशियल जो इफेक्ट है वो हमें 2021 से देखने को मिलेगा। द यूके विल बी एबल टू वर्क इन एंड ट्रेड फ्रीली विथ यूरोपियन यूनियन नेशंस
एंड वाइस वर्सा अंटिल दिसंबर 31, 2020. आफ्टर फ्रॉम जनवरी 1, 2021 ऑल दी जो क्राइटेरियाज है, ऑल दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बदल जाएंगे. हाउएवर इट विल नो लॉन्गर बी रिप्रेजेंटेड इन द यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस. फ्रॉम 2021 द यूके एंड यूरोपियन यूनियन विल एंटर अ न्यू रिलेशनशिप पॉसिबली अंडरपिन्ड बाय अ फ्री ट्रेड डील. तो वो देखना है कि जो नई डील होगी वो क्या होगी, किसको क्या फायदा मिलेगा. द अग्रीमेंट सेट्स आउट द एग्जिट टर्म्स ऑफ द यूके एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप इमीडिएटली आफ्टर एग्जिट, बट इट इज नॉट क्लियर ऑन व्हाट टर्म्स द यूके एंड ईयूज फ्यूचर रिलेशनशिप विल बी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में कैसी डील रहेगी, किसका क्या पार्ट रहेगा, वो अभी तक डिसाइड नहीं है. A key part of the withdrawal agreement was there would be a transition period until the end of 2020. The transitional agreement is designed to make the separation process smoother and it covers subjects like trade, law and immigration. It will give them more time to iron out all the details of their future relationship, including a possible free trade deal. During the transition, the UK will be officially out of the EU and not be represented on any European Union bodies. Okay, तो जो ट्रेड और ये सारी चीजें हैं वो सिंपली जिस तरह से अभी चलती आ रही थी वैसे चलती रहेगी, बट कोई भी यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के फोरम पे यूके विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट. चलिए, और ये जो स्टेट्स है वो सारे पार्ट है आपके यूरोपियन यूनियन के, जिसमें बेल्जियम, लिथुआनिया, बल्गेरिया, लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, डेनमार्क, माल्टा, जर्मनी, नेदरलैंड्स, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, पोलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, फ्रांस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेकिया, इटली, फिनलैंड, साइप्रस, स्वीडन, लेटविया एंड यूके. तो अब देखिए यहाँ से यूके निकल गया है, तो अब बाकी किसका? यूरोपियन यूनियन का. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है. और जिसने इसको जो प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पे, उनका नाम है बोरिस जॉनसन. चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल फोरम ऑन चाइल्डहुड न्यूमोनिया. तो चाइल्डहुड न्यूमोनिया को कम करने के लिए अभी एक बार्सिलोना स्पेन में एक समिट हुई, ओके, कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्डहुड न्यूमोनिया वॉज हेल्ड इन बार्सिलोना टू मेक इट पार्ट ऑफ द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा. देखिए, न्यूमोनिया से सबसे ज्यादा 2 साल या 3 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं वो न्यूमोनिया से सबसे ज्यादा उनकी डेथ हो जाती है, ओके, जो इवन इन दी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है और इवन इन दी डेवलप्ड कंट्रीज. तो और अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज है वहां पे तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है कि इवन न्यूमोनिया से भी हम किसी बच्चे को नहीं बचा सकते, ओके. तो उसके जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. और इसी को काउंटर करने के लिए एक समिट का अरेंज की गई, जिसमें ये कहा गया कि भाई हमारे जो चाइल्डहुड न्यूमोनिया है उसको कम करने के लिए एक ग्लोबल एजेंडा हमें तैयार करना चाहिए. डिस्पाइट बींग द बिगेस्ट इन्फेक्चुअस किलर ऑफ चिल्ड्रन, न्यूमोनिया रिमेन्स अ नेग्लेक्टेड डिजीज बोथ नेशनली एंड ग्लोबली. Every 39 seconds, a child under 5, okay, age, under 5 years of age dies from pneumonia. और pneumonia जुड़ा किससे, किसके साथ है? Lungs के साथ, okay, हो सकता है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो और respiratory system के साथ जुड़ी हुई कोई भी जो बीमारी है वो इसके साथ जुड़ी हो सकती है. Global Forum on Childhood Pneumonia is an initiative of the 9 leading health and children's organizations including UNICEF, Bill and Melinda Gates Foundation and Gavi among others. The theme of the conference is fighting for breath. Okay, fighting for breath. तो ये चीज आपको याद रखनी है. Death rate for pneumonia 2017. देखिए, तो सबसे ज्यादा pneumonia का death rate जो African countries है वहां पे सबसे ज्यादा आपको डेथ रेट दिखता हुआ दिख रहा है. द एनुअल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम न्यूमोनिया पर 1 लाख पीपल. डेथ रेट्स आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द डेथ्स फ्रॉम लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस व्हिच इंक्लूड अ रेंज ऑफ पैथोजेंस दैट कैन कॉज क्लिनिकल न्यूमोनिया.
तो अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए सबसे ज्यादा आपको जो डार्कर एरिया यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, वहां पे आपको न्यूमोनिया से सबसे ज्यादा मौत होती हुई दिखेगी। उसके बाद के जो कंट्रीज है वो कौन से है, वो है लैटिन अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक। देखिए एशिया पैसिफिक के कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये सारे कंट्रीज आपको जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया इज एन अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ दी लंग्स। कॉज क्या है? डजेंट हैव एनी वन सिंगल कॉज। इट कैन डेवलप फ्रॉम इधर बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई इन दी एयर। वैक्सीन की अवेलेबल है हमारे पास? हाँ, वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है जो कि है न्यूमोनल कॉन्जुगेट, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। न्यूमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज इजीली प्रिवेंटेबल विथ वैक्सीन। 3 डोजेज ऑफ दी प्राइमरी वैक्सीन टू प्रिवेंट इट आर रिकमेंडेड। अ न्यू वैक्सीन फॉर वन ऑफ द मेन वायरल कॉजेज ऑफ न्यूमोनिया इज अंडर डेवलपमेंट। इंडिया इज प्लानिंग फॉर द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ पीसीवी अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, तो इंडिया ये प्लान कर रहे हैं। देखिए ये अभी तक क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो काफी महंगी है। ओके, तो इसीलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। वल्नरेबिलिटी क्या है? तो देखिए ये इजीली क्यों हो जाता है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छी तरह से अभी डेवलप नहीं हुई है। ओके, वो इमेच्योर है या तो वीकन है और उसकी वजह से उनको न्यूमोनिया होने के ज्यादा चांसेस है। न्यूमोनिया इज अ कंटेजियस एंड कैन बी स्प्रेड थ्रू कफिंग और स्नीजिंग। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू फ्लूइड लाइक ब्लड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और फ्रॉम कंटेमिनेटेड सर्फेसिस। तो इसीलिए अगर किसी को न्यूमोनिया हो जाता है तो काफी केयर में उनको रखा जाता है। प्रिवेंटेबल है या नहीं है? तो ये प्रिवेंटेबल है। द पुअरेस्ट चिल्ड्रन आर मोस्ट एट रिस्क बिकॉज ऑफ हाई रेट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, लो वैक्सीन कवरेज एंड लिमिटेड एक्सेस टू करेक्ट डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डेथ्स फ्रॉम चाइल्डहुड न्यूमोनिया आर प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन, यूजिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड ट्रीटेबल विथ लो कॉस्ट एंटीबायोटिक्स एंड ऑक्सीजन। और देखिए यही सारी चीजें जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे आपको काफी मुश्किल से मिलती है, एंड दैट्स व्हाई जो न्यूमोनिया का डेथ रेट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में काफी ज्यादा है। आउटर एयर पोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नियरली 18% ऑफ और नियरली 1 in 5 न्यूमोनिया डेथ अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। ओके, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ अ चाइल्ड लाइफ कैन लीड टू 23% ऑफ रिडक्शन इन न्यूमोनिया इंसिडेंस। ओके, और इसीलिए कहा जाता है कि पहले 6 महीनों में बच्चे को और कोई खुराक की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से ही उसको काफी सारे जो डिजीज है उससे बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व है वो रहते हैं। इन्फेंट्स हु आरंट ब्रेस्ट फीडेड आर 15 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम न्यूमोनिया। ओके, और देखिए सबसे ज्यादा जो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? कॉन्गो, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑल डेथ ड्यू टू न्यूमोनिया अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर 5। ओके, और इंडिया में क्या सिचुएशन है? एनुअली 14% ऑफ अंडर 5 डेथ्स इन इंडिया हैपन ड्यू टू न्यूमोनिया। न्यूमोनिया देखिएगा कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन डेथ रिजल्ट। ओके, तो गवर्नमेंट आजकल इस पे काम कर रही है और इसको ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे लिए है वो है इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 की हाइलाइट्स। क्या है इकोनॉमिक सर्वे? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया जाता है एनुअल बजट के अगले दिन, और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछले साल कितना खर्चा हुआ, आने वाले साल में क्या खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को किस बेसिस पे बजट बनाना चाहिए, किससे फायदा होगा, किससे नुकसान हो सकता है, ये सारी जो समरी है वो आपको दी जाएगी इकोनॉमिक सर्वे में। चलिए, द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 हैज बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनेंस। और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया वो किया हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 इज इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ इकोनॉमिक एट 5 ट्रिलियन विथ इट्स थीम वेल्थ क्रिएशन। तो ये था उसका थीम वेल्थ क्रिएशन, कि किस तरह से मार्केट में वेल्थ क्रिएशन की जानी चाहिए। दैट इज द मेन सोल और थीम ऑफ दिस
इकोनॉमिक सर्वे. द इकोनॉमिक सर्वे इज अ रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन द पास्ट 1 ईयर एंड की चैलेंजेस एंड इट एंटिसिपेट्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस. तो पिछले 1 साल में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूट्स अपनाए उसको सॉल्व करने के लिए, आने वाले साल में क्या उसके सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसका जो पूरा समरी होगा दैट इज योर इकोनॉमिक सर्वे. और देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया इसलिए वी आर रिप्रेजेंटिंग इकोनॉमिकल सर्वे ऐसा नहीं है, बट दिस इज द ट्रेडिशन. ओके, लॉन्ग परफॉर्म्ड ट्रेडिशन, और इसी की वजह से हम इकोनॉमिक सर्वे को हर साल पेश करते हैं. इट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट एज इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड ऑफिशियल वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट्स टेक ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन. द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, करंटली डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन. इट नीड्स टू बी नोटेड दैट गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे और टू फॉलो द रिकमेंडेशन दैट आर मेड इन इट. तो गवर्नमेंट ना तो बाउंड है उसको प्रेजेंट करने के लिए, ना ही बाउंड है उसके रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए. बट अगर उसके रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाता है तो दैट विल बी अ गुड थिंग. ओके, दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द इकोनॉमी. और इस बार का जो मेन गोल रहा वो क्या रहा कि भाई इंडिया की इकोनॉमी को 2.9 ट्रिलियन से कितना बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले 5 सालों में, टिल 2025 हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है, राइट? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा. ओके, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा. सो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू एंट्रेंट्स, अनेबल फेयर कॉम्पिटिशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिमूव अनडिजायरेबल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अनेबल ट्रेड फॉर जॉब क्रिएशन, एफिशियंटली स्केल अप द बैंकिंग सेक्टर, इंट्रोड्यूस ट्रस्ट एज पब्लिक गुड दैट गेट्स एनहांस्ड विथ ग्रेटर यूज, यूज डाटा एंड टेक्नोलॉजी टू एनहेंस ट्रस्ट. तो ये सारी चीजों पे जब हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन के तरफ आगे बढ़ती हमें दिखाई देगी. ओके, बट हो सकता है कि ये जो गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो हमें थोड़ा 1-2 साल पीछे करना पड़े. क्यों? क्योंकि पिछले 2 महीनों में, जो मार्च से लेकर जून तक जो लॉकडाउन की सिचुएशन चली है, उसके चलते हमें पूरी कंट्री को पूरी तरह से शटडाउन कर देना पड़ा था, और उससे इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ा है. गवर्नमेंट ने काफी पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस की है टू रिवाइव द इकोनॉमी, तो उसका असर हमें ये 5 ट्रिलियन गोल पे भी पड़ता हुआ आने वाले समय में दिखेगा. और ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 से निकलकर आई है. जीडीपी ग्रोथ जो है हमारा वो किस तरह से बढ़ा है. ओके, देखिए, 2016-17 में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ 8.2 था, वो 2017 के बाद देखिए लगातार आपको दिख रहा है कि वो घटता गया है. क्यों घटता गया है? क्योंकि हमने काफी सारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे इकोनॉमी में, जीएसटी था, डीमोनेटाइजेशन था, ये सारी चीजें हमने बोल्ड डिसीजन इस गवर्नमेंट ने ली है, और उसका जो असर है वो आने वाले और 2-3 सालों तक हमें इकोनॉमी में रहता हुआ दिखेगा. तो इसी की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमें थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिख रहा है. वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? द सर्वे मेक्स एन अटेम्प्ट टू क्राफ्ट अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज दैट कैन फॉस्टर वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया, विच इन टर्न वुड सेट द इकोनॉमी फर्मली ऑन एन अपवर्ड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. दिस सर्वे आइडेंटिफाइज सेवरल लेवल्स फॉर फर्दरिंग वेल्थ क्रिएशन. ओके, तो वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा उसका एक क्लियर कट आइडिया आपको दिया गया है. तो पहला जो उसमें पिलर है वो है ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स. तो ऑन ग्राउंड जो बिजनेस करता है उसको ज्यादा से ज्यादा अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए तो वो लोकल लेवल पे वेल्थ क्रिएशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. एंटरप्रेन्योरशिप एट ए स्ट्रेटेजी टू फ्यूल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन. कॉम्पिटिटिव मार्केट हमें डेवलप करना पड़ेगा. प्रमोट प्रो बिजनेस पॉलिसीज दैट अनलीश द पावर ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट्स टू जनरेट वेल्थ एज अगेंस्ट प्रो क्रोनी पॉलिसीज दैट मे फेवर इनकम्बेंट प्राइवेट इंटरेस्ट. रिमूव एनआर
एनार्कनोस्टिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए इंडिया में जनरली होता क्या है कि आपको अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले तो लाइसेंस लेने की जो प्रोसेस है वो इतनी लंबी है कि आपको, अगर मैं सोचूं कि आज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो लाइसेंस गैदर करते करते ही मुझे सारी जो परमिशन है वो गैदर करते करते मुझे 1-1.5 साल जितने टाइम लग जाता है। एंड दैट इज वेरी कम्बरसम प्रोसेस। और उसके बाद भी, एक बार बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी, गवर्नमेंट का इतना डर बना रहता है कि मैं, अगर मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो मैं 10 बार सोचूंगा कि भाई गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, ओके गवर्नमेंट इस तरह से बीच में ऑब्स्टेकल खड़े करेगी। तो इन सारी चीजों की वजह से ज्यादा जो फ्री मार्केट है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई वी ट्रस्ट यू, आप अपने तरीके से बिजनेस को आपको बढ़ाना चाहिए विद इन द लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स। तो वही चीज आपको ये रिप्रेजेंट करती है, एनार्कोनिस्टिक गवर्नमेंट एंड इंटरवेंशन। एलिमिनेट पॉलिसीज दैट अंडरमाइन मार्केट थ्रू इंटरवेंशन इवन वेन इट इज नॉट नेसेसरी। असेंबल इन इंडिया। अब जब हम ये मुहिम चला रहे हैं कि भाई बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, तो चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके उसके रेलेवेंस में, उसके कंपैरिजन में हमें इंडिया में भी तो वो मार्केट खड़ा करना पड़ेगा ना, राइट? तो असेंबल इन इंडिया वाली जो चीज है कि जो चाइनीज कंपनी अब तक, जो फॉरेन कंपनीज अब तक जो चाइना में रह के असेंबल कर रही थी, जिन्होंने अपने प्लांट्स चाइना में खोले हुए थे, उनको धीरे धीरे इंडिया में इन्वाइट किया जाएगा। इंट्रीगेट टू असेंबल इन इंडिया इन टू मेक इन इंडिया टू फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव एक्सपर्ट्स एंड देयर बाई क्रिएट जॉब्स एट अ लार्ज स्केल। इंडिया शुड फोकस ऑन अदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज टेक्सटाइल, क्लोदिंग, फुटवेयर एंड टॉयज। बैंकिंग सेक्टर को हमें और थोड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि ये जो आए दिन हमें जो बैंकिंग सेक्टर में उथल पाथल देखने को मिलती है वो ना मिले। प्राइवेटाइजेशन, यूज प्राइवेटाइजेशन टू फॉस्टर एफिशिएंसी एंड दस बॉल्स्टर द केस फॉर एग्रेसिव डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ सीपीएसई। तो देखिए गवर्नमेंट धीरे धीरे सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है। और क्यों प्राइवेटाइज कर रही है? ताकि एफिशिएंसी भी ज्यादा अच्छी हो और रिजल्ट भी हमें ज्यादा अच्छा मिले। और जो पूरी चीजें गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लेके रखी है उसको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। और एक नया शब्द हमें देखने को मिला, दैट इज थालीनॉमिक्स। ओके, सो द सर्वे मेक्स एन अटेम्प्ट टू रिलेट इकोनॉमिक्स टू द कॉमन पर्सन यूजिंग समथिंग दैट इज दैट एन इंडिविजुअल एनकाउंटर्स एवरी डे, अ प्लेट ऑफ फूड, i.e. थाली। अफोर्डेबिलिटी ऑफ थाली बाय डे टू डे पे ऑफ अ वर्कर हैज इंप्रूव्ड ओवर टाइम, इंडिकेटिंग इंप्रूव्ड वेलफेयर ऑफ द कॉमन पर्सन। तो पहले अगर मुझे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन थाली खानी थी तो मुझे कम पैसे चुकाने पड़ते थे, अब मुझे ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरी जो पे करने की जो पावर है, ओके, मनी पे करने की जो पावर है वो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, बड़ी है। और एवरेज जो इंडियन है वो नॉनवेज थाली पे 11,000 पर ईयर का खर्चा करता है और नॉनवेज थाली पर 12,000 रुपये पर ईयर का खर्चा करता है। तो ये थालीनोमिक्स का जो एक फंडा है वो हमें इकोनॉमिक सर्वे में आता हुआ दिखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, बीजिंग डिक्लेरेशन के 25 साल पूरे होते हुए हमें दिखे। और ये बीजिंग डिक्लेरेशन क्या था? तो बीजिंग डिक्लेरेशन बढ़ावा देता था जेंडर इक्वालिटी को। ओके, मेल और वुमेन के जॉब्स में, एजुकेशन में जो डिस्पेरिटी है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए बीजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। टू मार्क 25 ईयर्स ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड यूएन वुमेन ऑर्गेनाइज नेशनल कंसल्टेशन ऑफ ऑन द रिव्यू फॉर बीजिंग 25। तो इन तीन एजेंसीज ने मिलके एक रिव्यू अरेंज करवाया 25 साल पूरे होने पर बीजिंग डिक्लेरेशन के। नेशनल कंसल्टेशन ब्रिंग्स एंड ऑन बोर्ड ऑल स्टेक होल्डर्स टू इंप्लीमेंट एक्शन दैट रिमूव द मोस्ट विजिबल बैरियर्स टू जेंडर इक्वेलिटी। 2020 मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एंड अडॉप्शन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो ये कब हुआ था? 1995 में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अडॉप्ट किया गया था, हिंस इट इज रिफर्ड एज बीजिंग प्लस 25।
और इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, बीजिंग प्लस 25। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव मेनली यही था कि भाई बीजिंग डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट तो कर लिया, पर पिछले 25 सालों में क्या एक्शन हमारी तरफ से लिए गए हैं टू काउंटर दी जेंडर इनइक्वालिटी, टू असेस प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इन इंडिया ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। द इश्यू ऑफ जेंडर इक्वालिटी हैज ऑल्सो बीन हाईलाइटेड बाई इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 एंड पॉइंट्स आउट दैट इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया लैग्स बिहाइंड इन जीरो हंगर एंड जेंडर इक्वालिटी। सिमिलरली द SDG इंडिया इंडेक्स बाई नीति आयोग रेज द सेम कंसर्न इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। तो इंडिया अभी भी जेंडर इक्वालिटी में काफी पीछे है, उसको आने वाले सालों में कैसे हमें अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी को, उसके बारे में ये रिव्यू प्लेटफॉर्म बनाया गया। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 112th अमोंग 153 कंट्रीज इन दी एन्यूअल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2020 पब्लिश्ड बाई दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो जेंडर गैप इंडेक्स जो पब्लिश किया उसमें हमारा जो नंबर है, इंडिया का जो नंबर 112th है अमोंग दी 153 कंट्रीज। देखिए पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे इनिशिएटिव ली है जिससे जेंडर गैप को हम कम कर सके, तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र नई गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि बेटी को जैसे पता चलता है कि भाई फीटस में गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्शन करवा दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी स्कीम स्टार्ट की है। ओके तो ये कुछ स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज ऑन वुमेन क्या है? द यूनाइटेड नेशंस हैज ऑर्गेनाइज्ड 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज ऑन वुमेन। पहली जो ऐसी स्पेसिफिकली जो वुमेन के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हो, तो पहली ऐसी जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी मेक्सिको सिटी इन 1975 में, दूसरी थी कोपनहेगन में 1918 में, तीसरी थी नैरोबी में 1985 में, और चौथी थी बेजिंग में 1995 में। और बेजिंग में ये डिसाइड किया गया था कि भाई हमें जेंडर इक्वालिटी के लिए आने वाले सालों में काम करना है। दी 1995 फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हेल्ड इन बेजिंग वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर गैदरिंग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द ग्लोबल एजेंडा फॉर जेंडर इक्वालिटी। द बीजिंग डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली कॉन्फ्रेंस। बीजिंग डिक्लेरेशन इज एन एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड कंसिडर्ड अ की ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो बेसिकली बीजिंग डिक्लेरेशन को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इन द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे लिए वो है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अब देखिए क्यों हम फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में हमारे करंट अफेयर्स न्यूज में पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, देखिए फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल क्यों नाम दिया गया है, तो देखिए इसके गले में आपको एक ऑरेंज कलर का उसका जो थ्रोट है वो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, एंड दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ऑल्सो कॉल्ड एज रूबी गुला। तो उसका दूसरा नाम क्या है? रूबी गुला, जो कि स्टेट बर्ड है गोवा का, हैज बीन चोजन एज द मेस्कोट ऑफ द 36th नेशनल गेम्स। तो इसको 36th नेशनल गेम का मेस्कोट बनाया गया है। द 36th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड बिटवीन 20th अक्टूबर टू 4th ऑफ नवंबर इन द ईयर 2020। अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि इसको पोस्टपोन किया जाएगा या नहीं, तो एज ऑफ नाउ आपको ये डेट याद रखनी है। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल क्या है? द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल इज एंडेमिक टू साउथ पेनिनसुलर इंडिया, वेर इट इज लोकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सदर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कर्नाटका, गोवा, ओडिशा, ईस्टर्न केरला एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। तो इन एरियाज में इंडिया में हमें ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल देखने को मिलती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? रूबी गुला। दी रूबी गुला प्रिफर हैबिटेट्स लाइक रॉकी स्क्रब कवर्ड हिल, मोस्टली इन ईस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया, बट ऑल्सो इन सम प्लेसेज इन वेस्टर्न घाट्स। और गोवा का जो रीजन है वो पूरा आपको वेस्टर्न घाट्स में होता हुआ दिखेगा। IUCN की लिस्ट में, ये लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में है, तो इसके ऊपर अभी तक कोई खतरा नहीं है। ओके ये काफी फ्रीली जंगलों में आपको देखने को मिल जाएगा।
इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के वो कौन से शेड्यूल में है? वो है शेड्यूल में है। ओके चलिए, स्केड्यूल्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो स्केड्यूल वन और पार्ट टू ऑफ स्केड्यूल टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब्ड दी हाईएस्ट पेनल्टीज। तो अगर आप किसी ऐसी स्पीशीज का अगर शिकार करते हो या नुकसान पहुंचाते हुए पकड़े जाते हो किसी ऐसी स्पीशीज को जो कि शेड्यूल वन और शेड्यूल टू में इंक्लूडेड है, तो आपको हाई पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। स्पीशीज लिस्टेड इन स्केड्यूल थ्री एंड स्केड्यूल फोर आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, बट द पेनल्टीज आर मच लोअर। स्केड्यूल फाइव इंक्लूड्स द एनिमल्स विच मे बी हंटेड। द स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट्स इन स्केड्यूल सिक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे से रिलेटेड, और ये मुद्दे को आप जोड़ सकते हो अपने रामसार कन्वेंशन के साथ, जो कि हमने जनवरी के करंट अफेयर सीरीज में हमने काफी डिटेल में इसको समझा है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी। क्यों? क्योंकि 1971 में 2 फरवरी को रामसार शहर में, ईरान के रामसार शहर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। और वेटलैंड कन्वेंशन क्या है कि जो वेटलैंड्स है उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके, तो उसी की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, और 1997 से हम इस दिन को मना रहे हैं। ओके चलिए, 2 फरवरी 2020 वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी वो उसकी थीम थी। और हमने देखा था जनवरी में कि अभी अभी रिसेंटली 10 उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में 10 रामसार साइट्स को रामसार लिस्ट में ऐड किया गया है। और इसके साथ एज ऑफ जून 2020 हमारी जो रामसार लिस्ट है वो कितनी हो चुकी है? 37 रामसार साइट्स इन इंडिया, जिसमें से एकमात्र रामसार साइट है गुजरात में जो कि है नल सरोवर। वेटलैंड्स क्या होता है? तो वेटलैंड्स आर इकोसिस्टम सेचुरेटेड विथ वाटर ईदर सीजनली और परमानेंटली। तो जो वेट जो लैंड आपकी पानी से घिरी हुई रहती है उसको आप क्या कहोगे? वेटलैंड कहोगे। जहाँ वेटलैंड से जुड़ी हुई काफी बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे। दे इंक्लूड मैंग्रोव्स, मार्शेज, रिवर्स, लेक्स, डेल्टाज, फ्लड प्लेन्स एंड फ्लडेड फॉरेस्ट, राइस फील्ड्स, कोरल रीफ्स, मरीन एरियाज नो डीपर देन 6 मीटर्स एट लो टाइड, एज वेल एज ह्यूमन मेड वेटलैंड्स सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स एंड रिजर्वियर्स। तो इन सारी चीजों को आप वेटलैंड मान सकते हो। दो देर कवर ओनली अराउंड 6% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, 40% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लीव और ब्रीड इन वेटलैंड। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी कम है, बट जब उसको और किसी बायोडाइवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाता है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट्स वाई वी आर प्रिजर्विंग इट। सिग्निफिकेंस क्या है? वेटलैंड्स आर क्रिटिकल पार्ट ऑफ अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। दे मिटिगेट फ्लड्स, प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स एंड बिल्ड कम्युनिटी रेजिलियंस टू डिजास्टर्स, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, अब्सॉर्ब पॉल्यूटेंट्स एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। वेटलैंड्स आर क्रिटिकल टू ह्यूमन एंड प्लांट प्लेनेट लाइफ। मोर देन 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन देम फॉर अ लिविंग, एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज लिव एंड ब्रीड इन वेटलैंड्स। दे आर वर्चुअल सोर्स ऑफ फूड, रॉ मटेरियल्स, जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर मेडिसिन एंड हाइड्रो पावर। तो देखिए, एंड दैट्स वाई ये ह्यूमन के लिए भी इतने ही जरूरी है। 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन इज स्टोर्ड इन पीटलैंड। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड द कल्चर एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ पीपल। मैनी वेटलैंड आर एरियाज ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड मैनी आर इम्पॉर्टेंट टू एबोरिजिनल पीपल। थ्रेट्स क्या है? तो एज पर द IPBES द ग्लोबल असेसमेंट, वेटलैंड आर मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम। तो ये जो IPBES जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा ज्यादा जो थ्रेटन्ड इकोसिस्टम है वो कौन सी है? वेटलैंड्स। वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग 3 टाइम्स फास्टर देन फॉरेस्ट। देखिए, ये आप खुद भी फील कर सकते हो। आप जिस शहर में रहते हो या आपके घर के आसपास या आपके गांव में, कभी आपने मान लीजिए ऐसे 15 साल 20 साल पहले आपने कोई
पॉन्ड देखा होगा या नदी देखी होगी। आज अगर आप उस जगह पे जाओगे तो हो सकता है वो पॉन्ड सूख चुका है, या तो वो नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, वहां पे पानी भरता है तो बरसात के 2-3 महीनों में ही वहां पे पानी भरता है, अदरवाइज वहां पे आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना जल्दी वो ये जो वेटलैंड्स है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द थ्रेट टू वेटलैंड्स विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फौना दैट लिव और ब्रीड इन वेटलैंड्स। और मेजर थ्रेट इसके क्या है, तो क्या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ओके चलिए, और ये IPBS के बारे में मैंने आपको जो चीज दी हुई है दैट इज फॉर योर सेल्फ रीडिंग। वेटलैंड्स की सिचुएशन इंडिया में क्या है, तो मैं ऑलरेडी आपको बताऊं कि 10 वेटलैंड हमने ऑलरेडी रिसेंटली इंक्लूड की गई है, और इसके साथ हमारा जो टोटल काउंट है वेटलैंड का वो इंडिया में क्या हो चुका है, 37। देर आर करेंटली 2300 रामसर साइट्स अराउंड दी वर्ल्ड। इंडिया हैज ओवर 7 लाख वेटलैंड्स कवरिंग 4.5% ऑफ कंट्रीज एरिया, येट नन ऑफ दी वेटलैंड्स हैज बीन नोटिफाइड अंडर डोमेस्टिक लॉज। हमारे पास उसके लिए कोई लॉज ही नहीं है जो वेटलैंड्स को प्रिजर्व कर सके। वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर दी वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। तो 2017 में हमें एक नया रूल हमें बनता हुआ दिखा। ओके चलिए, तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। और ये देखिए, मैंने रामसार साइट की पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। इसमें नई रामसार साइट जो 10 नई रामसार साइट है जो कि महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार, तो वो 10 साइट्स आपको अपने हिसाब से इसमें ऐड करनी है, वो यहाँ पे एडेड नहीं है। दीज आर दी 27 रामसार साइट्स, और ये है आपकी नई रामसार साइट्स। पंजाब में नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर वेटलैंड एंड बियास वेटलैंड, उत्तर प्रदेश में सरसाई नवार झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एंड सामन बर्ड सेंचुरी, और महाराष्ट्र में नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र की पहली रामसार साइट है। ओके चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एक छोटा सा है वो है फेशियल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्शंस। तो इन द अपकमिंग तेलंगाना अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी यूजिंग अ फेशियल रिकॉग्निशन एप फॉर वेरिफिकेशन एंड रियल टाइम ऑथेंटिकेशन ऑफ वोटर्स ऑन द पायलट बेसिस इन 10 सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन। तो आंध्र प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो एक नई चीज ट्राई कर रहा है कि भाई 10 सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन में फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, मोबाइल से उनका जो वोटर आ रहा है वोट डालने, उनको फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही उनको वोट डालने के लिए अलाउ किया जाएगा। और क्यों ऐसा किया जा रहा है, देखिए अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो आने वाले सालों में हो सकता है कि लार्जर स्केल पे इसको अप्लाई कर दिया जाए, ताकि जो फॉल्स वोटिंग जो होती है तो उसको कम किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्शन विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इट विल हेल्प टू काउंटर इम्पर्सोनेशन बाई वोटर्स ड्यूरिंग पोलिंग। तो आजकल हम काफी जगहों पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई एक वोटर है तो वो अपने जहां रहता है सिटी में वहां भी वोट डालता है, और अपने गांव में भी वो दूसरे फेज में अपने गांव में भी वोट डालने जाता है। तो ऐसा ना हो इसी के लिए ये ट्रायल बेसिस पे ये चीज की जा रही है। दिस इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कोम्पल्ली म्यूनिसिपालिटी ऑफ मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। द फेशियल रिकॉग्निशन इज प्रपोज एज एन एडिशनल टूल टू वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ द वोटर इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब इंक्लूडिंग यूज ऑफ फोटो इलेक्टोरल रोल्स, द इंसिस्टेंस ऑफ फोटो आईडी प्रूफ इन एडिशन टू द पर्सनल स्क्रूटिनी बाई द पोलिंग एजेंट्स अपॉइंटेड बाई कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स। तो ये सारी चीजें तो होगी ही होगी जो अभी चलती आ रही, जो ट्रेडिशनल चीज है, साथ में ये फोटो रिकॉग्निशन वाला जो चीज है वो भी जोड़ दिया जाएगा। ओके, और उसकी जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे दी हुई है, जस्ट यू कैन रीड इट फॉर योर ओन नॉलेज। और ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेशनल वर्ग और स्टेट के आपको पेयर्स दिए हुए हैं, उसको आपको
कंपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर टू, विथ रेफरेंस टू स्वामी विवेकानंद, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे. ही फॉर्मड द रामकृष्ण मिशन इन 1897. ही प्रीच्ड द नियो वेदांता एंड बी ही रोट द बुक ऋग्वेद भाष्यम. और ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री. रिसेंटली इन द न्यूज ट्रू नेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, इट इज इंडिजीनियसली बिल्ट सैटेलाइट फॉर मिलिट्री सिस्टम और इंडिजीनियस डायग्नोस्टिक टूल फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर रूरल इंडिया और इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज इन द हिमालयन रीजियन. सो दिस वॉज योर टू डेज लेक्चर. आई होप एवरी टॉपिक इज नाउ क्लियर. स्टे होम, स्टे सेफ.